Hello children, as you know, we are learning bridge course. So in bridge course, some of the topics of 6th standard which you will learn in 7th also, that we are covering. Now today's topic is I am going to share you types of fibers. So children, here in this photo you can see that types of fibers, they are natural fibers and man-made fibers. So here it is natural fibers and man-made fibers. In natural fibers, which are the types? One is vegetable fiber and animal fiber. Vegetable, that means plant. Okay. So it is plant fiber also. It is known as plant fibers also. And another is animal fibers. Now in vegetable fibers, in 6th standard, you have learned about cotton, जूट, कॉयर, ये सारे आपने पढ़े थे. सो दीज आर इन द कैटेगरी ऑफ वेजिटेबल फाइबर्स. सेम वे इन एनिमल फाइबर, हियर इट इज 6th स्टैंडर्ड में आपने एनिमल फाइबर का नहीं पढ़ा होगा, बट देर आर सम एनिमल्स थ्रू विच वी कैन गेट वूल एंड फाइबर्स कैन बी मेड, एंड यूजिंग दैट फाइबर्स फैब्रिक्स आर मेड. So here it is silk, cocoon, then camel. Camel is also a wool giving animal. Then one is spider silk, then wool we can get from mohar. ये जो है ना वो goat की एक one type of goat is there. Same way in man-made fibers there are polymer and mineral. तो ये आपको categorize करना नहीं है children, just for your information, just for your knowledge I have shared this, that is acrylic, polyester, nylon. तो ये सारे man-made fibers हैं, और इसमें भी जो दो types है, इसमें minerals में जो है fiber, glass and carbon. So all these are various types of fibers we get either naturally or man-made. Now children, here it is, I have shared a photo, that means you can see the natural fibers we get from cotton. Cotton we get from cotton plant. Jute we get from jute plant. Then it is coir. Coir we get from coconut plant. Then silk cotton. Silk cotton, that means ये भी एक plant होता है, थोड़ा tree जैसा बड़ा होता है. जैसे cotton plant छोटे होते हैं ना, वे इतना छोटा नहीं होता, थोड़ा बड़ा tree जैसा होता है. और उसमें जो ये कॉटन हमें मिलता है वो एकदम स्मूथ और सिल्की होता है. देन इट इज़ हेम्प, हेम्प के लिए, और फ्लेक्स. सो दीज आर वेरियस काइंड ऑफ प्लांट्स थ्रू विच वी कैन गेट फाइबर्स. सेम वे हियर इट इज़ सम आर्टिफिशियल फाइबर्स आर देयर. सी इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड कलरफुल एंड शाइनिंग, बट दे आर मेड फ्रॉम केमिकल्स. तो नाइलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर एंड टेरिलिन. So these you have learnt in previous standard. Children, you know the process to make cotton fibers. So first what we do? So that is raw cotton balls. Raw cotton balls ko sabse pehli process kya hoti hai uske upar? Ginning process. That means here. To cotton balls jo hote hain usme se seeds wo sab nikal ke phir cotton ko alag kiya jata hai. देन स्पिनिंग ऑफ कॉटन इन टू यान. स्पिनिंग पहले होता था चरखा और तकली से, बट नाउ लूम बनाने के लिए, यान बनाने के लिए मशीन्स हैं, उसी पर ये बनता है. यान बनने के बाद उसे या तो वीविंग होगा या नीटिंग होगा. वीविंग दैट यू नो के टू सेट्स ऑफ यान आर यूज, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. टू सेट्स ऑफ यान आर यूज टू वीव. और नीटिंग जो है एक ही सेट से इसे नीट किया जाता है. सो दीज आर द प्रोसेस टू मेक कॉटन फैब्रिक. हियर इट इज द प्रोसेस इज गिवन फॉर मेकिंग जूट फाइबर. सो सबसे पहले क्या करेंगे, जूट प्लांट, उसे हार्वेस्टेड प्लांट इमर्स्ड इन वाटर. तो जब यहाँ से हार्वेस्ट किया जाएगा उसके बाद उसे स्टेग्नेंट वाटर में कुछ दिनों के लिए रखा जाएगा, रोटिंग के लिए, थोड़ा सड़ने के लिए. सो आफ्टर दैट
इट विल कन्वर्ट इंटू जूट फाइबर. रोटेन स्टेम्स आर मेड इंटू जूट फाइबर्स. तो जब स्टेम रोट हो जाती है उसके बाद रोटिंग प्रोसेस के बाद इसे जूट फाइबर इसमें से बनाया जाता है. नाउ हियर इट इज़ सम अदर एनिमल फाइबर. दूसरे कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिससे भी हमें फाइबर्स मिलते हैं. चिल्ड्रन हियर इट इज़ द फर्स्ट वन इज गिवन अंगोरा. अंगोरा हेयर इज फ्रॉम द अंगोरा रैबिट. ये अंगोरा रैबिट से मिलता है. रैबिट जितना हल्का फुल्का और सॉफ्ट सॉफ्ट है वैसे ही उसमें से जो फाइबर्स हमें मिलेंगे वो भी ऐसे ही होंगे. इट मेक्स वेरी सॉफ्ट सिल्की यान. तो सॉफ्ट और सिल्की एकदम यान उसमें से बनेंगे और इट इज़ यूज टू मेड सम ब्यूटिफुल फैब्रिक्स. नाउ नेक्स्ट वन इज कश्मीरी. सो दिस कम्स फ्रॉम अ गुड्स फाइन अंडरकोट. कश्मीरी इज स्ट्रॉन्ग लाइट एंड सॉफ्ट. तो ये कश्मीरी गोट से जो मिलता है वुल उसमें से जो फाइबर मिलता है उसमें से ऐसे सॉफ्ट क्लोथ्स बनाए जाते हैं. दिस एक्चुअली यू विल लर्न इन सेवेंथ स्टैंडर्ड बट फॉर योर कंसेप्ट आई एम गिविंग यू दिस इंफॉर्मेशन. नाउ कैमल हेयर. कैमल हेयर कलेक्टेड फ्रॉम द अंडरकोट ऑफ कैमल्स व्हेन दे मोल्ड. इट इज ऑफन यूज टू मेक कोट्स. तो ऐसे कोट इसमें से बनाए जा सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज मोहेयर. दिस इज फ्रॉम द अंगोरा गोट. इट इज कंसिडर्ड अ लग्जरी फाइबर. हेयर फ्रॉम ओल्डर गोट्स इज यूज ऑन कारपेट्स एंड हैवी आउटवेयर. फाइन हेयर फ्रॉम यंग एनिमल्स इज यूज ऑन फाइनर क्लोथिंग. नाउ चिल्ड्रन हियर इट इज जनरल डिफरेंसेस. कैसे हमें पता चलेगा कि ये कौन सा फाइबर है, मतलब नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर की क्या प्रॉपर्टीज़ है, कैसे वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है. सो हियर इट इज़. इट इज़ नेचुरल फाइबर. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम नेचर. बट सिंथेटिक फाइबर इट इज़ कम्प्लीटली मैन मेड. ये सिंथेटिक फाइबर है वो केमिकल से बनता है. द नेक्स्ट वन इज़ द फाइबर स्ट्रक्चर्स कैन नॉट बी चेंज. नेचुरल फाइबर है ना उसका स्ट्रक्चर नेचुरल होता है, मतलब नेचर से हमें मिलता है तो उसका हमें चेंज कर सकते नहीं. बट सिंथेटिक फाइबर जो है वो इट इज़ मैन मेड. तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं. द फाइबर स्ट्रक्चर्स कैन बी चेंज. ओके सेम वे इन नेचुरल फाइबर इट इज़ कम्फर्टेबल टू वेयर. सिंपली चिल्ड्रन आप सिल्क पहनो या कॉटन पहनो वो पहनने में आपको अच्छा लगेगा. यू विल फील कम्फर्टेबल. आप पॉलिएस्टर या नायलॉन के कपड़े पहनो या उसके सामने आप कॉटन के कपड़े पहनो तो इन कॉटन क्लोथ यू विल बी मोर कम्फर्टेबल. इट इज़ नॉट एज कम्फर्टेबल एज नेचुरल फाइबर. सिंथेटिक फाइबर जो है वो नेचुरल फाइबर जितने कम्फर्टेबल नहीं है. नो केमिकल्स आर नीडेड फॉर प्रोसेसिंग. सिंपल प्रोसेस से ये फाइबर्स बनते हैं, इसमें केमिकल की ज़रूरत पड़ती नहीं. बट सिंथेटिक फाइबर वो तो केमिकल से ही बना है. सो वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग. तो ऐसे सिंथेटिक फाइबर में बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ होता है. इन नेचुरल फाइबर्स इट हैज़ इट्स ग्लोइंग नेचुरल कलर. नेचुरल है कलर. वूल का देखो या कॉटन का देखो तो वाइट एकदम ब्राइट शाइनी कलर होता है. लेकिन उसमें हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी किया कलर ऐड फिर भी इट हैज़ इट्स नेचुरल कलर. बट सिंथेटिक फाइबर में कलर्स आर एडेड एज रिक्वायर्ड. तो सिंथेटिक फाइबर में कलर ऐड करना पड़ता है. इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली. नेचुरल है, कोई इसमें पोल्यूशन नहीं होता या कोई हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ नहीं होता. सो दैट इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली. बट सम फैब्रिक्स आर हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट. किसी किसी फैब्रिक को बनाने के लिए कोई ऐसी केमिकल प्रोसेस की जाती है, कुछ केमिकल्स का यूज़ होता है. सो अल्टीमेटली समटाइम्स दे आर हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट. नाउ चिल्ड्रन सिक्स्थ स्टैंडर्ड में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था PAT एग्जाम में कि नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर को आप कैसे अलग कर सकोगे. अलग मीन्स कैसे पहचानोगे कि ये सिंथेटिक फाइबर है या ये
नेचुरल फाइबर है, उसे आप कौन सी टेस्ट करेंगे जिससे आपको इसका पता चलेगा। सो हियर इट इज, वेरी कॉमन टेस्ट इज जस्ट बर्न अ स्मॉल पीस ऑफ योर फैब्रिक। ओके, जस्ट बर्न अ स्मॉल पीस ऑफ योर फैब्रिक, तो फैब्रिक का छोटा सा टुकड़ा जब हम उसे बर्न करेंगे तो उस बर्निंग प्रोसेस से हमें पता चलेगा कि ये नेचुरल है या सिंथेटिक है। चिल्ड्रन, आपको ये नहीं करना है। ओके, इट इज़ डेंजरस, आपको किसी भी थ्रेड को जलाना नहीं है, बट यू जस्ट कीप इन माइंड। सो नेचुरल फाइबर जब भी बर्न होगा तब क्या होगा? नेचुरल फाइबर बर्न लाइक हेयर, तो हेयर जलने से जो, क्योंकि बिकॉज इन हेयर प्रोटीन इज देयर। ओके, हमारा हेयर जो है ना उसमें प्रोटीन होता है, वैसे ही जो नेचुरल फाइबर्स है उसमें भी प्रोटीन रहता है। दैट इज़ वाई जो हेयर को बर्न होंगे और जैसी स्मेल आएगी वैसी स्मेल नेचुरल फाइबर को बर्न करने से मिलेगी। स्मेल लाइक बर्न्ड लीव्स, तो लीव्स भी इट इज़ ऑल्सो नेचुरल सब्सटेंस, तो लीव्स भी जब बर्न होंगे और जैसी कोई स्मेल आती है वैसी स्मेल हमें आएगी। और टर्न इन टू एश, तो जब बर्न हो जाएगा उसके बाद उसे हाथ से हम मसलेंगे तो ऐश मिलेगी, तो उसमें एक पाउडरी स्ट्रक्चर मिलेगा ग्रे कलर का। ओके, सो इट इज़ ऐश। बट जब हम सिंथेटिक फाइबर को बर्न करें तब क्या होगा? सिंथेटिक फाइबर बर्न लाइक प्लास्टिक, वो केमिकल से बना है ना, तो जब वो बर्न होगा तो वो प्लास्टिक के जैसे बर्न करेगा। जैसे आपने कभी देखा होगा कि प्लास्टिक बैग है या प्लास्टिक का कोई भी चीज़ है, अगर बर्न करता है तो एकदम सिकुड़ जाता है चारों ओर से और उसका शेप जो है वो अनइवन हो जाता है, ऐसे कुछ वो होता है, पिघल जाता है पूरा ऐसे। स्मेल लाइक प्लास्टिक मतलब वो प्लास्टिक जलने की जो स्मेल आती है वो आएगी। टर्न प्लास्टिक लाइक मतलब जब ये बर्न होगा फाइबर तो नीचे प्लास्टिक का एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। जो भी कपड़ा अगर आप जलाएंगे बर्न करेंगे सिंथेटिक, तो पूरा उसका जो एंड है ना वो पूरा प्लास्टिक बॉल के जैसे ऐसे टर्न हो जाएगा, लेकिन उसमें यहाँ पे जैसे ऐश मिलती है वैसे यहाँ पे मिलेगी नहीं। गॉट इट चिल्ड्रेन? नाउ हियर इट इज सम ऑफ द यूजेस ऑफ वेरियस क्लोथ्स। सो हियर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए हैं, जैसे कि लीनन। सो फाइबर टाइप इज नेचुरल फाइबर, इट इज़ नेचुरल फाइबर। लीनन इज नेचुरल फाइबर, कहाँ से मिलता है? फ्लेक्स प्लांट से। और कहाँ कहाँ यूज होता है? यूज फॉर ट्राउजर्स, सूट, ड्रेसेस, तो इन सब में लिनन का यूज होता है। द नेक्स्ट वन इज सिल्क। ओके, और अपियरेंस कैसा होगा? नेचुरल अपियरेंस है इसका। द सेकेंड वन इज सिल्क। सिल्क कहाँ से हमें मिलता है? फाइबर टाइप नेचुरल। कहाँ से मिलता है? कोकोन ऑफ सिल्क मोथ, सिल्क वॉर्म या सिल्क मोथ में से मिलता है। कहाँ यूज होता है? ड्रेसेस, टाइज, शॉर्ट्स, इन सब में, मीन्स वेयर क्लोथिंग में बनाने में यूज होता है। अपीयरेंस कैसा होगा? वेरी स्मूथ एंड ग्लोसी। ये सिल्क जो है ना एकदम हल्का फुल्का होगा और शाइनी होगा इसका स्ट्रक्चर। नाउ नायलोन, तो नायलोन कैसा है? सिंथेटिक फाइबर। और ओरिजिन क्या है? केमिकली प्रोड्यूस्ड। कहाँ किस किस से बनता है? कोल, एयर, वाटर, इन सब से नायलोन बनता है। और कहाँ पे यूज होता है? स्पेशली स्पोर्ट्स वेयर, टायर्स, कारपेट, इन सब में यूज होता है। एंड यूजुअली शाइनी, इसका अपीयरेंस जो है वो यूजुअली शाइनी अपीयरेंस है। ओके, देन इट इज कॉटन। कॉटन जो है वो नेचुरल फाइबर है। कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट में से। कैसे कहाँ पे यूज होता है? शॉर्ट्स, डेनिम्स, ये सब बनाने में यूज होता है। और इसका अपीयरेंस है स्मूथ। देन हियर इट कम्स वूल, इट इज़ ऑल्सो नेचुरल फाइबर। कहाँ से मिलता है? शीप में से। क्या क्या बनता है? जंपर्स, हेयर्स, शूट्स, कारपेट्स,
स्वेटर्स, वूलन्स हैं ना, ये सब बनेगा। एंड अपीयरेंस कैसा है? सॉफ्ट एंड कोर्स, थोड़ा सॉफ्ट भी है लेकिन कोर्स, मतलब थोड़ा खुरदुरा है। देन हियर पॉलिस्टर, अगेन इट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर, तो फाइबर टाइप इज सिंथेटिक, ओरिजिन केमिकली प्रोड्यूस्ड यूजिंग पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से ये बनता है। कहाँ पे यूज़ होता है? सूट्स, अम्ब्रेलाज, जिम बैग्स, इन सब में पॉलिएस्टर का यूज़ होता है। और अपीयरेंस यूजुअली शाइनी। सो दिस वॉज द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स एंड देयर यूजेस, फ्रॉम वेयर डू वी गेट एंड वेयर इट इज़ यूज्ड। फाइन, सो चिल्ड्रन आई विल शेयर अ PDF रिगार्डिंग दिस, जस्ट वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड कंप्लीट योर वर्कशीट। थैंक यू एंड बाय बाय।